मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज से मैं साइकिल का भरपूर उपयोग करूँगा जिससे कि पर्यावरण की रक्षा करने हेतु मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं आज से अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए साइकिल ज्यादा से ज्यादा चलाऊंगा और अपने परिवार और मित्रों एवं सहयोगियों को भी साइकिल का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। भारत सरकार द्वारा दादरा नगर हवेली को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत सिलवासा सिटी में साइकिल ट्रैक बनाने का विचार है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपका नाम? मेरा नाम वसीम, बॉम्बे साइकिल स्टोर सिलवासा जनता चौक। आप रोजाना कितना किलोमीटर ट्रैवलिंग करते हो? हम रोजाना 10 से 15 किलोमीटर ट्रैवलिंग करते हैं। आपका महीने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना होता होगा? हमारा महीने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा 2,000 के अप्रोक्स होता है। अगर साइकिल ट्रैक बनता है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर, साइकिल ट्रैक बनना चाहिए, वो जरूरी है। साइकिल ट्रैक बनने से साइकिल चलाने वालों की मांग बढ़ेगी। काफ़ी साइकिल चलाने से फिटनेस रहती है, साइकिल चलाने से पेट्रोल डीजल की बचत होगी, साइकिल चलाने से प्रदूषण युक्त वातावरण बनेगा, साइकिल चलाने से और काफ़ी सारे फायदे हैं। साइकिल ट्रैक बनना जरूरी है। साइकिल ट्रैक बनाने से साइकिल चलाने वाले की डिमांड और बढ़ जाएगी। सरकार द्वारा दादरा नगर हवेली को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत सिलवासा सिटी में साइकिल ट्रैक बनाने का विचार है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपका नाम? रमन। आपका व्यवसाय? नौकरी करता हूँ। आप रोजाना कितना किलोमीटर ट्रैवलिंग करते हो? 30-40 किलोमीटर। आप महीने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना होता होगा? 3,000। आपने आखिरी बार साइकिल कब चलाई? इतना याद नहीं है, 15 साल से पहले चलाई थी, अभी तो बाइक ही चल रहा हूँ। अगर साइकिल ट्रैक बनता है तो उसके बारे में आपका क्या कहना चाहते हो? साइकिल ट्रैक बनेगा तो अच्छा है। साइकिल चालू होगा तो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, प्रदूषण भी नहीं रहेगा और पेट्रोल का भी खर्चा बचेगा, और ऐसे दूसरे बहुत भी फायदे हैं जो साइकिल चलाने से होगा। मैं साइकिल का भरपूर उपयोग करूंगा जिससे कि पर्यावरण की रक्षा करने हेतु मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं आज से अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा चलाऊंगा और अपने परिवार मित्रों एवं सहयोगियों को भी साइकिल का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। सरकार द्वारा दादरा नगर हवेली को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत सिलवासा सिटी में साइकिल ट्रैक बनाने का विचार है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपका नाम? शिवम पांडे। आप क्या करते हो? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, पीछे जो है ना इंग्लिश में। हाँ। आप रोजाना कितना किलोमीटर साइकिल चलाते हो? 6-7, पर मम्मी ज़्यादा चलाने नहीं देती क्योंकि ट्रैफिक का डर रहता है। अगर साइकिल ट्रैक बनता है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अरे जब वो देखो, हमारी सेहत के लिए भी वो अच्छा होता है साइकिल चलाना, और ऐसे पेट्रोल की भी वो ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऐसे अगर रोड पे चलाते हैं तो एक्सीडेंट का बहुत वो होता है ना डर, तो फिर साइकिल ट्रैक बन जाएगा तो फिर अपन को चलाने में इजी पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा दादरा नगर हवेली को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत सिलवासा सिटी में साइकिल ट्रैक बनाने का विचार है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपका नाम? मैं लक्ष्मण चौधरी। आपका व्यवसाय? मेडिकल स्टोर सिलवासा दादरा नगर हवेली। आप रोजाना कितना किलोमीटर का ट्रैवलिंग करते हो? मैं रोजाना 20-25-25-30 किलोमीटर तक मैं गाड़ी से ट्रैवलिंग करता हूं। आपका महीने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना होगा? मेरे महीने का खर्चा पेट्रोल डीजल का मिला के 2-3 हज़ार का मिनिमम हो जाता है। आपने आखिरी बार साइकिल कब चलाई? मैंने 10 साल पहले साइकिल चलाई थी। अगर आप साइकिल ट्रैक बनता है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यदि आज के भविष्य को देखते हुए आज साइकिल ट्रैक बनता है तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साइकिल चलाने से
सेहत के साथ में अपना पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और जब तक साइकिल ट्रैक बनेगा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, हवा पानी अच्छे से लगेगा, सेहत के लिए भी ज़रूरी है और अपना जो खर्चा है वो भी तो कम हो जाएगा। और साइकिल ट्रैक बनना बहुत ही ज़रूरी है और सिलवासा की स्मार्ट सिटी के लिए भी साइकिल ट्रैक बनेंगे तो बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, कहीं कहीं दुर्घटना भी नहीं होगी। और जितना साइकिल चलाएंगे उतना अपने को व्यायाम करने में बहुत अच्छा रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा। ये सब को जानते हुए सिलवासा स्मार्ट सिटी में एक साइकिल ट्रैक बनना ज़रूरी है।